आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो जी 10th क्लास की वेलमेंट थी। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी जो एक्सरसाइज जो है आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे यहां से, और ताकि हम जो ये क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दें। और जो पहली टाइप है क्वेश्चंस की वो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपने देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ी है ax2 + bx + c। हमने इस टाइप के इस तरह की जो इक्वेशन है उनको इसको सॉल्व किया हुआ है, ना कि इसकी पावर मोर देन स्क्वायर है उसमें कभी भी सॉल्व नहीं किया। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन बना के, इसको रिड्यूस करके इसका सब्स्टिट्यूट बना के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तब्दील करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर जो है इसकी एग्जांपल भी आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ से आप देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप वन के क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पर जो गिवन है, वो पहले 4 क्वेश्चन सेम एज इट इज है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, अब लेट कर लें x² = a, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड, x³ = a². अब जहां जहां x³ है वहां पर आपने क्या पुट करना है, a² 2a² - 11a + 5 = 0। अब फिर आपके पास पुरानी जो 1.1 में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, आप उससे इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई करना है तो 10 आए, ऐड करें तो 11 आए। तो अगर मैं यूं आपकी कंडीशन को सेट कर लेता हूं तो कोई इशू नहीं है, 10 और 11, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये 10 बन जाए। पहले 2a कॉमन ले ले तो a - 5 बनता है, -1 कॉमन ले ले तो a - 5। ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे दो वैल्यू सेम हो जाए तो आप उसमें से एक वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं a - 5 को कॉमन ले लिया तो बाकी जो वैल्यूज बचती हैं वो आप यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप इनको अलग अलग से आप इक्वल कर लें 0 के, ताकि आप मजीद इसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकें। यहां से मैं पहुंच गया हूं, अब a मेरे पास आ गया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई a की 5 और a की 1 आ गई मेरे पास a = 1.2। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लें, क्वेश्चन क्योंकि x में था मुझे वापस a को भी x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे कन्वर्टिंग लिख लें आप a (x). तो ये a किसकी इक्वल था x² के, तो आप इसको ऐसे करके लिख लें, टेकिंग अ स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने a की तो नहीं लेनी। ये दोनों के लिए मैं लिख दी है आपको, और आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे ही किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ये इसका रूल है। आपने मुझे बताना है कि क्यों लगाते हैं, अगर आपको ये बात नहीं समझ आएगी तो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं किसी वैल्यू का तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। आज का ये सवाल है कि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, और बच्चे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या रीजन है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पूरी प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग अभी क्या अच्छा, अब जी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपनी। इसका दूसरा क्वेश्चन है जी 2x⁴। सबसे पहले आप इनको एक साइड पे कर ली, अब यहां पर x² a = x² ले ले, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड, a² = x³। ये बन गया 2a² - 9a +। अगर आप इसको यूं ही देखेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड करें तो 9 है, तो -8a - a+4 = 0। 2a कॉमन ले लिया तो a - 4, -1 कॉमन लिया तो a -
जैसे ये दोनों वैल्यू सेम है, इनमें से एक कॉमन ले ली हमने, बाकी जो हमारे पास बना टू ए माइनस इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब मैं इसको मजीद आगे करूंगा, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ए इज इक्वल टू फोर एंड ए इज इक्वल टू वन बाई टू. अगेन जब मैंने इसको कन्वर्ट करूंगा वापस एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर बन गया सेम, जैसे स्क्वायर रूट लिया थ्री प्लस माइनस टू में कन्वर्ट हो गया और ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलेंगे. थ्री और फोर सेम है, दो क्वेश्चन और करेंगे हम, जहां पर आपको लगे कि आपको कोई मसला है तो आप उसे जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी आपको इशू आए. अब मैं आप क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाऊंगा और उसको देखेंगे आप क्या होगा जी. क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं, लिखा जी फाइव की फाइव एक्स की वन बाय टू इज इक्वल टू सेवन एक्स की वन बाय फोर माइनस टू. आप क्वेश्चन को एक तरफ ले जाएं, आप यहां पर x की 1 by 4 को एक इक्विवेलेंट ले लें, टेकिंग अ स्क्वायर बोथ साइड, x की 1 by 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5 a स्क्वायर माइनस 7 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसके बाद मैं आपको मजीद गाइड करता चलता हूं कि आप अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड करें तो 7 आए. तो कौन कौन से टेबल पे आता है जी, ये देखिए माइनस 5 ए माइनस 2 ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर 5 ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस 1, और माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ऑलमोस्ट जब ये आपकी कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो आपका फैक्टर्स जो है बिल्कुल ठीक होते हैं. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी तरीका मैंने आपको सिखा चुका हूँ. अब मैं आपको पूरे लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखा रहा हूँ. तो अगर किसी के पास नहीं, अगर किसी ने हमें मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जो बंद में थी, वो जरूर इसको चेक कर लें. यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2/5 और यहाँ पर ए की वैल्यू, और जैसे ही ये एक्स की 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि पहले हम स्क्वायर रूट ले रहे थे, अब स्क्वायर लेंगे क्योंकि मुझे एक्स चाहिए. स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैं एक तरीका एक लेंथ स्टेप कर देता हूँ ताकि एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा. और नहीं, ये एक्स की 1/4 बन रही है ना, ये 1/4 में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो स्क्वायर नहीं लेंगे हम, डबल स्क्वायर लेंगे. डबल स्क्वायर का मतलब है जी 4, या आप दो दफा स्क्वायर ले लें, या टेकिंग अ 4 रूट 4th ओवर क्या है इसी से और ठीक है, डबल स्क्वायर स्क्वायर में टेकिंग अ स्क्वायर. जैसे स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 4/25 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा कटिंग करने के बाद, और ये 1 का स्क्वायर. अगेन स्क्वायर लेंगे तो अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16/625 और ये बन जाएगा 1. ये इसका आंसर बनेगा. इसको देख लीजिए, इसका एक पार्ट रह गया जी फोर्थ वाला, वो भी सेम इसी कैटेगरी का है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा. और मैं इसके साथ साथ एक क्वेश्चन एडिशनल करवाता जाऊंगा, पांचवा, वो मैंने इतना ही जो है वो इस मेथड से थोड़ा हट गया है. तो आज के पांच क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, नेक्स्ट हम सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे. अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो वो बता दें ताकि हम उसको आपको रिपीट करवा दें. क्वेश्चन नंबर फाइव में करवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट कल सिक्स स्टार्ट करेंगे. ये जी थ्री था, अब मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमारे पास जो गिवन है 3x^-2 और प्लस 5 और साथ में लिखा है जी 8x^-1.
जी ये जो माइनस टू है आप इसको डिवीजन फॉर्म में ले आए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये ले एलसीएम ले ले इस साइड का एलसीएम ले ले तो एक्स के ये से क्या एक दो से कट गया थ्री प्लस फाइव एक्स के इज इक्वल टू एट एक्स यहाँ पे एक्स बच गया तो वो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एट एक्स कर लो। इंतहाई आसान सवाल था सिर्फ आपने ये एक स्टेप याद रखना है कि किसने क्या करना है। अगर आपका ये स्टेप हो जाएगा तो ये कम से कम 3 से 4 लाइंस का बनेगा। अब मैं अगर इनको तब्दील करके स्ट्रेट लाइन में लिख दूंगा तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे 5x के ऐड करें तो 15 आए अब 8 आए तो ये 5 और माइनस 3x आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 5x इसमें से कॉमन अगर हम ले लेते हैं x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 5x माइनस 3 एंड x minus 1 is equal to 0 यहां से आप x की वैल्यू निकाल ले x बनेगा आपके पास 3 by 5 और यहां पे x is equal to 1। थैंक यू वेरी मच ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।